ब्लॉसम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 20 जून और आज निकलने वाला है जगन्नाथ जी का यात्रा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो मैं सेक्टर 6 वाले जगन्नाथ जी का यात्रा दिखाने वाली हूँ, जो कि सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर से निकल के सेक्टर 6 के ए मार्केट तक को दिखाऊंगी। और सेक्टर 10 में जो है मेला टाइप ऑफ लगा है। सेक्टर 4 भिलाई में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो सेक्टर 4 का जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ से जगन्नाथ जी आते हैं गुंडीचा मंडप में, जो कि सेक्टर 10 तक के चलता है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है सेक्टर 6 वाले जगन्नाथ जी का वीडियो, और देखती हूँ मैं अभी सेक्टर 4 वाले जो जगन्नाथ जी हैं उनका भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और कल का वीडियो तो आप लोग देख ही लिए होंगे, तैयारी किस प्रकार से हुई है, बहुत ही सुंदर तरीके से जगन्नाथ जी को तैयार किया गया है। चलो जल्दी से मैं चलती हूँ, अभी बहुत लेट हो गया। आ चुके हैं सेक्टर 10 गुंडीचा मंडप, जो सेक्टर 4 वाले जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वो यहीं आने वाले हैं, ठीक है, रथ यात्रा से। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, किस टाइप का मेला लगा है। यहाँ हर साल जो है, हर साल सेक्टर 4 से जगन्नाथ जी आते हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा मेला लगता है। तो पहले मैं आप लोगों को गुंडीचा मंडप दिखा देती हूँ, और यहाँ पर मिल रहा है नारियल और जगन्नाथ जी का प्रसाद, ठीक है। अंदर चलते हैं हम, मैं और अभी आप लोगों को देख सकते हैं वहाँ पर झूला, यदि आप लोगों को दिख रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, शायद शूज़ उतारना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को ना यहीं से दिखा दूँगी। अभी ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, भीड़ देख सकते हो आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मंडप अब चलते हैं हम इस तरफ, देख सकते हो इस तरफ भी मेला लगा हुआ है, तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। इस तरफ भी छोटे छोटे झूले लगे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ना 15-15 रुपए में सोडा वगैरह मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आइसक्रीम मिल रहा है। ये सारे स्टॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और
खाने पीने का काफ़ी सारा स्टॉल्स मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर। ये झुमकियाँ वगैरह, झुमके वगैरह है, चप्पल वगैरह। अब चलते हैं हम इस तरफ, देख सकते हो इस तरफ भी मेला लगा हुआ है, तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। इस तरफ भी छोटे छोटे झूले लगे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ना 15-15 रुपये में सोडा वगैरह मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आइसक्रीम मिल रहा है। ये सारे स्टॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और खाने पीने का काफ़ी सारा स्टॉल्स मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर। ये झुमकियाँ वगैरह, झुमके वगैरह है, चप्पल वगैरह। अभी हम आ चुके हैं सेक्टर 10 के गुंडीचा मंडप। यहाँ पर जो है जगन्नाथ जी, सेक्टर 4 भिलाई वाले जो जगन्नाथ जी है वो यहीं आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। यात्रा जो है उनकी शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं उनका भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूंगी वीडियो जो है। यहाँ आएंगे और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा जो है मेला लगा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और बहुत ही सुंदर सा पंडाल बना हुआ है। लास्ट ईयर का भी यदि आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट ईयर भी मैंने जो ये वाला जो मेकिंग वाला जो वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो जैसे ही 11 से 15 दिन के बाद जो हमारे जगन्नाथ जी यहाँ आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो आएंगे ही, उसके बाद जब ले जाने वापस ले जाते हैं ना उनको अपने मंदिर में ही, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मेला चलें अब हम लोग, चलो चलते हैं मेला, मेला देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत झूले आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत से सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, तो चलो जल्दी से चलते हैं।
देखे जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय जगन्नाथ जी।